हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आई एम बैक विद अनदर वीडियो दोस्तों। आज का वीडियो है कुछ इस टाइप का, और कुछ इस टाइप का दोस्तों हाईवे पे है आज। तो आज दोस्तों करने वाला हूँ सिटी 100 का जो रिव्यू होता है, और इसके बारे में कौन सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए बाइक खरीदने से पहले, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। आज मुझसे ज़्यादा रिव्यू ये सारी गाड़ियाँ करेगी। ये देखो, ये दोस्तों ये आपको मिलती है 100cc सेगमेंट, जो कि है सबसे सस्ता सेगमेंट अगर देखा जाए अपने प्राइस पॉइंट में। तो सबसे सस्ती बाइक मिलती है आपको 100cc में बजाज की तरफ से, ये वाली। तो दोस्तों अपने सेगमेंट में ये सबसे सस्ती बाइक होने के बाद इसका प्राइस आ जाता है 32,400 रुपये, जो कि एक शोरूम प्राइस है आपकी सिटी के हिसाब से। कुछ RTO के जो होते हैं वो वाले पैसे लग करके और थोड़ा सा इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। बाकी अभी तक अगर किसी भी सेगमेंट में देखा जाए 100cc के हिसाब से दूसरी कोई भी कंपनी में आप देखेंगे तो इतने प्राइस में ऐसी बाइक मिलना पॉसिबल नहीं है। इसमें अगर इसकी सीटिंग अरेंजमेंट की बात की जाए तो इसमें आपको बहुत ही अच्छी कुशनिंग मिल जाती है सीटिंग में भी, और इसका इंजन भी आपको अच्छा पावरफुल मिल जाता है। लॉन्ग राइड अगर आप करना चाहते हैं इसके साथ तो कर सकते हैं। इसमें आपको 100cc का इंजन मिलता है और इसमें आपको हॉर्स पावर मिल जाती है 8.2, जो कि इतने प्राइस में बहुत ही बड़ी बात है। और अगर इसके दूसरे फीचर्स की बात की जाए तो आप इसका एक बार मीटर देखेंगे तो वो थोड़ा सा कॉमन लगेगा आपको, लेकिन इतने प्राइस में अगर आप इससे ज़्यादा अपेक्षाएं करते हैं तो थोड़ा गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पर एक मिलती है स्पीडोमीटर, और साथ में यहाँ पर आपको मिलता है न्यूट्रल, लो बीम, हाई बीम और इंडिकेटर्स। दोस्तों इसमें एक ही फॉल्ट लगा मुझे, अगर इसमें पेट्रोल वाला दे देते तो थोड़ा सा अच्छा हो जाता, लेकिन इन्होंने एक ये थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, अगर पेट्रोल वाला नहीं दिया है ये इसकी एक कमी कह सकता हूँ। दोस्तों इसकी टैंक की कैपेसिटी की बात की जाए तो आपको इसमें मिलता है 10.5 लीटर का फ्यूल, जो कि बहुत ही अच्छे से 600-700 किलोमीटर की राइड के लिए बहुत आसान हो जाता है। इसका अब आज करने वाले हैं सिटी और हाईवे मिक्सचर वाला माइलेज टेस्ट, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये बाइक आपको किस हिसाब का माइलेज दे सकती है। दोस्तों इसमें अगर एक बात देखी जाए तो आपको रिजर्व में आता है, इसमें पेट्रोल जो रहता है वो रहता है 2.6 लीटर, बट आप उसमें से यूज़ कर पाते हैं 1.6 लीटर। जो 1 लीटर पेट्रोल होता है वो साइड में रह जाता है, इस वजह से वो आ नहीं पाता है। लेकिन आप अगर बाइक को थोड़ा सा झटका देके हिलाते हैं और हो जाए तो थोड़ा सा और बेनिफिट मिल सकता है आपको। कहीं पे फंसने के बाद में भी ये बाहर तो ले ही आएगी आपको, बाहर इतना भी नहीं ला पाएगी, ठीक ठाक ला लेगी, लेकिन आप रिजर्व आने के बाद इसमें फ्यूल फिल करवा दीजिएगा। दोस्तों इसमें आपको सेल्फ स्टार्ट वाला इंजन भी मिलता है, लेकिन उसमें तो थोड़ा सा प्राइस आपको थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इसमें आपको ये मिलती है किक स्टार्ट के साथ, और इसमें आपको मिल जाता है 4 गियर बॉक्स जो कि आगे की ओर लगते हैं। मैनुअल सिस्टम नहीं है इसमें, आपको स्मूथली आगे की साइड शिफ्ट होते हैं। इसके गियर की अगर बात की जाए तो दोस्तों इसमें आपको ऑयल टैंक मिल जाता है 1 लीटर के आसपास, और दोस्तों इसके जो अगर गियर शिफ्टिंग की बात करो तो वो भी बहुत ही अच्छी और स्मूथ लगती है। देखा जाए तो 100cc सेगमेंट में गियर छोड़ने वाली प्रॉब्लम, वैसे मैंने इसे फर्स्ट बार ही ट्राई की है तो इस हिसाब से ये अभी तो स्मूथ लग रहा है अच्छी तरीके से। इसके अगर हैंडलिंग की बात की जाए तो हैंडलिंग भी अच्छी है, लेकिन अगर थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं अगर हैंडल्स को, ये क्या थोड़ा सा ज़्यादा वाइड हो गया है। तो दोस्तों ये वाइड ज़्यादा हो गया है, इसमें क्या इतनी बाइक को छोटा बनाया है तो थोड़ा सा हैंडल को कम करना चाहिए था। इसकी वजह से थोड़ा सा जो कहते हैं एक मोमेंटम बन जाता है वो थोड़ा सा नहीं हो तो अच्छा रहता है बाइक में। बाकी अगर इसके शॉकर्स की बात की जाए तो शॉकर आपको इस प्राइस में भी अच्छे मिल जाते हैं। अगर नॉर्मल गड्ढे वाली बात की जाए तो अच्छा खासा ये दे देती है। वैसे ये इस बाइक मतलब बजाज में ऐसे 100cc सेगमेंट या छोटी मतलब कोई भी दूसरी कंपनी में जो छोटे सेगमेंट होते हैं वो ज़्यादातर गाँव में यूज़ किए जाते हैं या सिटी में यूज़ किए जाते हैं, उस हिसाब से इसका जो शॉकर एडजस्टमेंट और सस्पेंशन है वो बहुत ही अच्छा लग जाता है। दोस्तों इसमें आपको ये भी बहुत ही ईजी मिल जाता है, ईजी टू ओपन, ये हो गया, चाबी निकाल देंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी हाँ है, मेरी वाली में और नरेंद्र वाली में हो जाता है दोस्तों, ये ऐसा हो जाता है, ये शायद नहीं है इसलिए। और ये जो आप देख रहे हैं वाइट वाला, ये उतर जाएगा, आपको स्टील मिल जाएगी, लेकिन अभी ये न्यू है बाइक तो जो खरीदना चाहते हैं वो खरीद ले उसके बाद। दोस्तों इसमें वजन मिलता है आपको 108 किलो, लेकिन ये उठा सकती है 238 किलो की पिटो, शाबाश। अब लास्ट इन्फॉर्मेशन दोस्तों, जो आए हैं वीडियो में लास्ट तक, आज हमने जो शोरूम से मतलब पहले भी की थी हमने पल्सर वहीं से, और आज जिस शोरूम से हम कर रहे हैं रतन मोटर्स, यहाँ से जो भी बाइक परचेज करेगा वो हमें इंस्टाग्राम पर एक बार एक मैसेज डाल दे कि आज बाइक खरीदने आए हैं। मतलब एक टाइम दोस्तों, अगर आप बाइक खरीदने जा रहे हैं तो उससे एक या दो दिन पहले हमें आप इन्फॉर्म कर देना कि भाई आज खरीदने वाला हूँ, तो हमारे पास अगर उस टाइम पर हम फ्री रहेंगे तो एक बार आप वापस कॉन्टेक्ट कर लेना, हम वहाँ पर आएंगे और आपका जो आप खरीद रहे हैं बाइक, आपको जो की दे रहे हैं वो
वो छोटा सा वीडियो करके हम अपने चैनल पर डालना चाहते हैं। तो अगर आप खरीद रहे हैं बाइक तो प्लीज़ हमें एक बार इन्फॉर्म कर देना यहाँ से खरीदने से पहले, ताकि हम आकर आपका एक छोटा सा वीडियो ले सकें। अब नेक्स्ट आ रहा है दोस्तों इसका माइलेज टेस्ट। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और ज़्यादा अच्छा लगा तो शेयर कर देना, और ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा अच्छा लगा तो बेल आइकन प्रेस कर देना। और नरेंद्र मंडला के बंद कर दी हुए चल गया था। तो दोस्तों बस इतना ही था दोस्तों आज का वीडियो। कैसी लगी बाइक अगर बात की जाए तो मैं थम्स अप करूँगा सिर्फ इसके प्राइस सेगमेंट के हिसाब से, और सिर्फ नहीं बोल सकता दूसरे भी इसमें अच्छे दिखे। थोड़ा सा मीटर वगैरह की अगर बात छोड़े तो बाइक आपको ओवरऑल अच्छी लगती है ये चलाने में भी, तो दोस्तों ले सकते हैं ये बाइक। कर दो हमें था।